वही चीज हमें बहुत ही खतरनाक यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। जब भी हो ओके, बट क्लासी को दोबारा से टगारू ने जाके नॉक कर दिया, बट टगारू अब अकेले प्लेयर बचे हैं 1v2 टगारू के लिए। एक साथ बंदे घर गए और अब M10 पर टगारू का काफी तगड़ा हेडशॉट फाइट 1v1 पे ट्रिपल किल किया। यहाँ पे क्लच पॉसिबल हो सकता है गाइस, क्या रिवाइव दे सकते हैं यहाँ पे जेसबी को। चलिए देखते हैं, चलिए साथ गए। ओ भाई साहब किल यहाँ पे टगारू का, वो भी लिमिटेड में। अरे रोबोट को मारता है ना गन को लेके, तो मैं रोबोट वाली सेटिंग भी लगा लूंगा ना फिर पर तो आसान हो जाएगा। सही है, फिर वो कर देते हैं अभी स्टार्ट। लेट्स गो, गेम को करते हैं स्टार्ट। अरे मैं रह गया भविया। अरे स्क्रीन से मारो, मैं कब से बोल रहा था मैं कि इनवाइट यार, तुम दो बार बोले मुझसे भाई, मेरी गलती हो गई। रुको रुको रुको, स्क्रीन शेयर मारो यार। मैं क्लच अरे फर्स्ट ओनली डेजर्ट, फर्स्ट ओनली डेजर्ट क्लासी भाई ने किया ही हेडशॉट मारा है क्या? क्लासी भाई का हेडशॉट, दोनों प्लेयर ने एक प्लेयर को नॉक जरूर किया था। चिल को यहाँ पर रिवाइव मिल सकता है। जी गाइस रिवाइव मिल जाएगा, स्मूथ यहाँ पे जा जरूर रहे हैं, बट स्मूथ अरे रे 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 गोली नहीं चलाई स्मूथ का, काफी टाइम लिया। स्मूथ जस्ट वेट कर रहे थे प्रॉपर, पहले देख रहे थे। इधर है टगारू, बट टगारू भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। स्मूथ अभी यहाँ पे अकेले प्लेयर बचे हैं गाइस, देखते हैं 1v3 ओनली डीगल रहने वाला, और आई थिंक मेरे पास, मेरे को लग रहा है ग्लूवल भी ना हो। भाई भाई क्या चल रहा है, प्लेयर यही खड़ा है बट अटैक ही नहीं कर रहा है अरे प्लेयर बोल रहा है कि नहीं भाई सारे बंदे एक साथ आएंगे तभी करेंगे शायद, क्योंकि कोई तो प्लेयर नहीं देखा था। बट क्लासी भाई का यहाँ पे क्वाड्रा गाइस, डीगल तो लिटरली भाई क्लासी भाई ओवर पावर यहाँ पे चलाते हैं को लग रहा है भाई। मैं क्लासी भाई का यहाँ पे नाम लेता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आता है थामू जैक का भी रिमाइंड होता है, क्योंकि थामू जैक गेम के रूल्स अलाव वही सब करो, यूएमपी भी अलाव। यूएमपी आते ही थोड़ा सा गुट्टू डर में पड़ गया था। अरे भाई यहाँ पे मुश्ताक को देखने के बाद, मुश्ताक को देखना, स्मूथ यहाँ पे नॉक हो गए, मुश्ताक की बात कीजिए। अरे भाई अरे अरे भाई कहाँ पे खड़े हैं, बट देखते देखते दोनों प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। अरे क्या होने वाला है, बट जेएसबी भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। ओके बट यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, स्कोर यहाँ पे हो चुके हैं 2-0। और देखते हैं गाइस लिमिटेड में हम लोग कैसा खेलते हैं, क्योंकि मेरे को लिमिटेड में अभी प्रैक्टिस की हम लोग ज्यादा जरूरत है, बट लेट्स सी। काफी टाइम हम लोग जीते जरूर है ब्राजील के स्क्वाड के अगेंस्ट, बट नॉक निकाला है किसी ने, एक नॉक निकाला है, बट टगारू थोड़ा सा ऐसे निकले थे, दो नॉक यहाँ पे हो चुके हैं। ओके एक को रिवाइव यहाँ पे दे चुके हैं गाइस, नए प्लेयर हैं। अरे भाई गजब क्या ही हेडशॉट यहाँ पे लगा है, स्मूथ यहाँ पे नॉक हो गए। जेसबी को देखते हैं, लेट्स सी जेसबी 3 पे आ चुका है। जी गाइस 3v3 पे आ चुका है, और क्या होने वाला है, फाइट यहाँ पे चल रही है। NXT के एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक किया, क्या कमबैक कर पाएंगे, बट जेसबी यहाँ पे नॉक हो गए। टगारू यहाँ पे आगे तो बढ़ रहे हैं, बट लेट्स सी टगारू का 94 का यहाँ पे हेड, और बट उसके बाद में यहाँ पे पूरा रिकॉइल क्या चल रहा है, और बट क्लासी भाई ने यहाँ पे मैनेज कर दिया भाई। टगारू का बहुत ही गंदा रिकॉइल, पहला तो बिल्कुल सही स्पॉट पे यहाँ पे हेडशॉट लगा था, ओनली रेड यहाँ पे, बट उसके बाद गोलियां कहीं गया, गोलियां उड़ गई क्या कहीं, के बाद एक भी शॉट यहाँ पे करेक्ट नहीं हो पाया टगारू का। फैंस की जगह पे गलत है यहाँ पे बात करता, पर अगर थोड़ा जोन आता है ना तो दिक्कत हो जाएंगी अंदर एंट्री लेने में, ग्लूवल ही तभी एंट्री यहाँ पे कर पाएंगे फैंस पे। जी यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी लिमिटेड, पर क्लासी को नॉक लिया गया यहाँ पे, स्मूथ का हेडशॉट, और चिलेक्स ने भी भाई कमबैक तो इस बार भी अच्छा दिया था, तुरंत ही वोल्ड डाल दी थी पर पहले फिनिश कर दिया। ये चीज तो माननी पड़ेगी NXT का भाई, जो टीम वर्क है ना वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही जबरदस्त है। अरे 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 भाई साहब टगारू वहां पे बैठे थे, आई थिंक ये स्पोर्ट नहीं किया, बट रैटलर हैं अभी सामने, रैटलर ने यहाँ पे नॉक कर दिया। ठीक है काफी अच्छा टीम वर्क की हम लोग बात कर ही रहे थे, क्या ही कमबैक किया है, बट इस बार यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। चिल यहाँ पे अकेले प्लेयर बचे, M10 है यहाँ पे चिल के पास में। देखिए एक बात बिल्कुल हुआ है, देखिए अगर किसी, अरे भाई हेड ही दिखे इसमें तो। जी गाइस कमबैक यहां पे करते हुए 3 राउंड के बाद में, स्कोर यहां पे हो चुका है 3-1 कर रहे हैं। अगर किसी, जी गाइस एक मतलब ये कि अब चाहे वो वेट भी करे तो एक तरह से सेंटर यहां पे होल्ड कर लिया NXT ने, इनको पता है कब कहां पे किस जगह पे एडवांटेजेस लेने हैं इस मैप के अंदर।
और सब लोग बैठे हैं बट क्लासी को यहाँ पे नॉक कर दिया है जी. नोटा भी नॉक है. आई थिंक क्लासी को क्या रिवाइव दिया जाएगा बट रिवाइव यहाँ पे दे दिया गया. ये ही चीज हमें बहुत ही खतरनाक यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है जब भी हो. ओके बट क्लासी को दोबारा से टगारू ने जाके नॉक कर दिया है बट टगारू अब अकेले प्लेयर बचे हैं 1v2 टगारू के लिए. एक साथ बंदे बिखर गए और अब M10 पर टगारू का काफी तगड़ा हेडशॉट फाइट 1v1 पे ट्रिपल किल किया. यहाँ पे क्लच पॉसिबल हो सकता है गाइस. क्या रिवाइव दे सकते हैं यहाँ पे जेसबी को. चलिए देखते हैं. चलिए साथ गए. ओ भाई ट्रिपल किल यहाँ पे टगारू का वो भी लिमिटेड में. क्या खेला भाई लिटरली यार. तब तीन प्लेयर यहाँ पे बचे थे जब देखा था टगारू की भाई तीन प्लेयर्स यहाँ पे बचे थे बट भाई लिमिटेड में तो एकदम से टगारू जान डाल देता भाई. अनलिमिटेड हो या लिमिटेड हो क्योंकि अनलिमिटेड निकले यहाँ पे जरूर हैं बट नॉक यहाँ पे हो सकते हैं बट बच गए गाइस यहाँ पे. बट एक प्लेयर को नॉक भी यहाँ पे कर दिया है. फॉलो बैक के चक्कर में चिलैक्स को नॉक निकाला है यहाँ पे कहीं ना कहीं और दूसरा भी नॉक. रैटलर को भी यहाँ पे नॉक कर दिया है. एक टाइम पे लग रहा था कि पहला नॉक इजीली निकाल लेंगे क्योंकि स्मूथ वहां पे चारों तरफ से फंस गए थे. रैटलर को रिवाइव तो यहाँ पे दिया गया और देखते ही देखते दोनों प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया. अब यहाँ पे क्लासी भाई बचे हैं और उनको भी फिनिश कर दिया यहाँ पे आई थिंक जेसबी ने. भाई स्कोर यहाँ पे इक्वल होता हुआ 3-3 यहाँ पे हो चुका है. और गाइस बात की जाए तो भाई लिमिटेड में अभी तक यहाँ पे स्कोर इक्वल. मेरे को लगा था एक तरफा यहाँ पे NXT जीत सकती है क्योंकि भाई लिमिटेड के यहाँ पे बादशाह है तरफ से रस नहीं दिखा है मेरे ख्याल से. लिमिटेड में स्मूथ भी टगारू भी काफी अच्छा खेलते हैं. स्मूथ भी एक तरीके से स्पैम भी आता है स्मूथ को. स्मूथ टगारू आप लोग समझ सकते हैं ऑलराउंडर प्लेयर है कैसे भी खिला लो बट जेसबी निकलते हुए यहाँ पे नॉक हो गए. एक गोल काफी अच्छा यहाँ पे लगाया जरूर है स्मूथ ने. जी गाइस बहुत दूर दूर से यहाँ पे फाइट चल रही है बट कोई सा प्लेयर क्या आएगा यहाँ पे. वो लेफ्ट हैंड साइड से पूरी स्क्वाड और भाई क्या ही डैमेज दिया था रेटलर भाई. हेड यार चल रहे थे दूर तक है यूएमपी के. जी गाइस रेनिक्स यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं. ये रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगी और शोबर अगर ये यहाँ से नॉक निकालते हैं तो गेम चेंज हो सकता है. जी गाइस ये रोटेशन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है स्क्वाड के लिए. सेंटर पूरा है NXT के पास है जी और सारे बंदों को राइट से ही आना है कहीं ना कहीं. और राइट से अगर धप्पा मिलेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ जाएगी. सकते हैं यहाँ पे रिनिक्स का धप्पा मिल सकता है बट क्या वो जाएंगे पीछे से. चलिए देखते हैं अगर जाएंगे तो चेंज कर सकते हैं राउंड बट नहीं. वो एक प्लेयर को यहाँ पे देख लिया बट शॉट कनेक्ट यहाँ पे नहीं हो पाए. देखते कौन से प्लेयर होंगे भाई. ओ और यहाँ पे क्या ही शॉट लगा है भाई. कौन सा प्लेयर है ये. चेज़वी नहीं नहीं नोटा ने मारा है तो. अच्छा नोटा हाँ रेड में नोटा है ना. नहीं रेड वाले ने मारा है मेरे को लग रहा है. टगारू है. टगारू ने मारा था बट किल मिला है शायद. और एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया. रैटलर को यहाँ पे नॉक कर दिया. अरे चार तीन से कंबैक. वही जी गाइस लीड अभी यहाँ पे ले चुके हैं और ये राउंड में पता ही नहीं चला लास्ट के तीन प्लेयर कब एकदम से फिनिश हुए. मैंने रेटलर को नॉक होते हुए देखा उसके बाद में कब दोनों प्लेयर यहाँ पे फिनिश हो गए. जी गाइस और लीड अभी यहाँ पे ले चुके हैं. क्या लगता है गाइस आज चैट किल कर चुके हैं. और गाइस विन मैचेस के बाद में आज हम लोग करने वाले हैं एनजी नेपाल को इंट्रोड्यूस. आई होप यहाँ पे फ्री रहे. ओ बट टगारू का यहाँ पे हेडशॉट. एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया. टगारू रुकने का नाम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं गाइस. क्या खेल रहे हैं टगारू इस मैच के अंदर. क्वार्टर के बाद लगातार नॉक पे नॉक निकाले जा रहे हैं. ठीक है स्मूथ को रिवाइव किया जाएगा. रिवाइव किया जाएगा और देखते हैं क्लासी भाई को रिवाइव करने के चांसेस आई थिंक यहाँ पे क्या रिवाइव कर पाएंगे. यहाँ पे प्लेयर्स आए जरूर हैं बट क्लासी भाई नीचे क्यों जा रहे हैं. उनके नीचे तो कोई प्लेयर नहीं है. चिलेक्स को भी यहाँ पे नॉक कर दिया और यहाँ पे विनिश गाइस. स्कोर यहाँ पे हो चुका है 3-5. यार ये शॉकिंग मोमेंट है कि लिमिटेड में हम लोग इतना अच्छा खेल रहे सच में भाई. मैच पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं. स्मूथ की बात कीजिए 10 किल कर चुके हैं. जेसबी पीछे बट लेट्स सी गाइस. नोटा एक्सेड यहाँ पे वेट कर रहे हैं. नोटा यहाँ पे अकेले प्लेयर हैं. लेफ्ट हैंड साइड में दो प्लेयर हैं. स्मूथ आके निकल जरूर रहे हैं बट नोटा यहाँ पे फंस सकते हैं. नोटा आगे के लिए इनके बैकअप में जेसबी रहने वाले पर एक नॉक. एक प्लेयर को नॉक कर दिया और वो यहाँ पे क्लासी को यहाँ पे नॉक कर दिया. स्क्वाड से हटके थोड़ा यहाँ पे जरूर थे बट रेटलर को देखते हैं. इस मैच के अंदर बड़ी मछली को बहुत जाल में फंसाया नॉस्ट ब्रो. क्लासी की स्टार्टिंग के 3 राउंडों में 8 किल थी. उसके बाद सबसे पहले उनको ही पकड़ा है. 3 राउंड में 8 किल थी उसके बाद में किल ही नहीं. और देखते देखते अब एक ही प्लेयर बचे हैं गाइस. व्हाट अ गेम. स्मूथ का यहां पे ट्रिपल किल. स्कोर यहां पे हो चुका है गाइस 3-6. भाई लिटरली लास्ट के 6 राउंड्स लगातार जीते क्योंकि स्कोर था 3-0. बहुत सारे बंदे रहता है यार. जो बंदा देखो गाइस ये चीज तो माइंड से निकाल दो. जो बंदा अच्छा खेलता है कि वो
फुल मैप या फिर लिमिटेड या फिर बाकी चीज में अच्छा नहीं खेल पाएगा। बहुत सारे बंदे को लगता है कि यार अनलिमिटेड वाले बंदे नहीं खेल पाएंगे, बट मेरे हिसाब से ये पूरा गलत है। अभिज्ञान को देख लो, लिमिटेड खिला लो, कुछ भी खिला लो, अच्छा ही यहाँ पे खेलता है गैलेक्सी गाइस। स्मूथ 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 पीछे से भी एक क्लियर आया जरूर है। शॉटगन यहाँ पे, और भाई भाई क्या हेडशॉट यहाँ पे लगाया स्मूथ ने। एक प्लेयर यहाँ पे बचे हैं क्लासी पे, अकेले प्लेयर यहाँ पे बच गए हैं। लेट्स सी गाइस, भाई साहब इस बार क्लासी बोले मैं पहले नॉक लूंगा। और इस बार M10 का हेडशॉट यहाँ पे, क्लासी को भी फर्स्ट गेम 3-7 से यहाँ पे बाजी मार ली है। व्हाट अ गेम भाई, आज अनलिमिटेड नहीं तो लिमिटेड में तो यहाँ पे बाजी मारी है फर्स्ट गेम में।